मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन रीमान इंटीग्रेशन और उसकी कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी करेंगे। पहले भी अपन ने रीमान इंटीग्रल क्या होता है, कैसे उसको डिफाइन करते हैं और किस तरह से उसके किसी भी फंक्शन को यदि रीमान इंटीग्रेशन प्रूव करना, रीमान इंटीग्रल प्रूव करना है तो कैसे अपन प्रूव करेंगे, वो यहां पर स्टडी करेंगे। तो मान लीजिए कोई फंक्शन यहां पर अपन को दिया हुआ है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू इंटीग्रल 0 टू ए। एक फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, इंटीग्रल दिया हुआ है अपन को 0 से a में। अपन को यह प्रूव करना है that f belongs to R 0 a, f belongs to R 0 a, f इस इंटरवल में रीमान इंटीग्रेबल होगा एंड इंटीग्रल 0 to a f x dx is equals to a cube upon 3। जो फंक्शन इस तरह से परिभाषित है, पहले अपन को यह बताना है कि यह फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा और उसकी जो वैल्यू है वो ए क्यूब अपॉन 3 के बराबर होगी। द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज स्टार्ट्स विद द डेफिनेशन ऑफ द रीमान इंटीग्रल। अपन जानते हैं कि कोई भी फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा तो उसका लोअर रीमान इंटीग्रल निकालना है, एग्जिस्ट करना चाहिए, अपर रीमान इंटीग्रल निकालना है, एग्जिस्ट करना चाहिए और दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, ये अपन को प्रूव करना है। तो लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल निकालें अपन, तो पहले अपन यदि निकालें मान लीजिए लोअर रीमान, तो पहले सबसे पहले अपन को पार्टीशन की जरूरत पड़ती है कि लोअर रीमान इंटीग्रल निकालेंगे अपर रीमान इंटीगल निकालेंगे। उससे पहले अपन को लोअर डायरबोक सम चाहिए, अपर डायरबोक सम चाहिए और अपर डायरबोक्स और लोअर डायरबोक सम के बाद में लोअर रीमान इंटीगल और अपर रीमान इंटीगल निकालेंगे। तो उससे पहले पार्टीशन चाहिए। अपने को यहां जो इंटरवल दे रखा है वो आई इज इक्वल टू दे रखा है, वो आई है आपका इंटीग्रल इंटरवल 0 टू ए। इस इंटरवल को अपन ब्रेक करेंगे और ब्रेक वाले पॉइंट्स को लेकर के एक पार्टीशन बनाएंगे। वो पार्टीशन अपन स्टैंडर्ड रूप में कंसीडर करते हैं, वो लेट पी, वो पी क्या होगा, वो पी होगा कि जो इंटरवल अपन को दे रखा है इस इंटरवल की लेंथ अपन निकालें। लेंथ इसकी जो है a माइनस जीरो यानी a के बराबर होगी। इस लेंथ को n इक्वल भागों में डिवाइड कर दें अपन, तो हर भाग की जो लेंथ होगी वो a बाई n होगी। इस a बाई एन को अपन मल्टीप्लाई करें नेचुरल नंबर से, जीरो से स्टार्ट करते हुए 1, 2, 3, 4, 5 अप टू n से मल्टीप्लाई करें और एक नया पार्टीशन अपन बनाए। वो पार्टीशन आपका होगा 0 इंटू ए बाई एन, 1 इंटू ए बाई एन, 2 इंटू ए बाई एन, बीच में जनरल इंटरवल होगा r माइनस 1 इंटू ए बाई एन, r इंटू ए बाई एन और लास्ट वाला होगा अपने पास n इंटू a by n, n into a by n a के बराबर होगा और 0 into a by n 0 के बराबर होगा, जो उसका पहला पॉइंट। ये पार्टीशन होगा, let p be the partition of closed interval 0 and a। यदि इसका पार्टीशन है तो यहां इसका कोई सब इंटरवल भी होगा, वो सब इंटरवल अपन ले लें, let ir is equals to r minus 1 R माइनस वन इंटू ए बाई एन एंड R इंटू ए बाई एन। इसकी लेंथ भी होगी, अपन जानते हैं कि इसकी लेंथ यदि ले तो वो डेल्टा R आएंगे और वो डेल्टा R ए बाई एन के बराबर होगा। फंक्शन अपन को दिया हुआ है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी घातों का योग, वर्गों का योग अपन को दे रखा है, IR अपन को दे रखा है। तो इस IR में उस फंक्शन के जो फंक्शन अपन को दिया हुआ है उस फंक्शन के सुप्रीमम और इनप्रीमम भी होंगे, वो मान के चले अपन। लेट स्मॉल एम आर एंड कैपिटल एम आर बी दी इनप्रीमम एंड सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स इन आई आर। में उसके इनप्रीमम और सुप्रीमम होंगे। आई आर अपन को देने का आर माइनस वन इंटू ए बाई एन और आर इंटू ए बाई एन। फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
fx is equals to x square दे रखा है, इंक्रीजिंग फंक्शन दे रखा है, तो अपन जानते हैं क्लियरली इसमें स्मॉल mr जो होगा वो तो आपके पास बराबर होगा स्मॉल mr is equals to r minus 1 square into a square by n square होगा, और कैपिटल mr होगा आपका r square into a square by n square। तो उसका सुप्रीमम भी पता चल गया अपन को, इन्फिमम भी पता चल गया, और सुप्रीमम और इन्फिमम के बाद में अपन उसका अपर डार्बोक सम निकाले और लोअर डार्बोक सम अपन यहां पर कैलकुलेट करें। तो पहले अपन कैलकुलेट करें उसका अपर डार्बोक सम UFP। अपन जानते हैं UFP होता है समेशन R इज इक्वल टू 1 टू N कैपिटल एम आर इंटू डेल्टा आर। समेशन R इज इक्वल टू 1 टू N कैपिटल एम आर दे रखा R स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, डेल्टा आर अपन को दे रखा ए बाई एन। तो अपन को मिला ये ए क्यूब बाई एन क्यूब, ए क्यूब बाई एन क्यूब समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू एन इंटू आर स्क्वायर। समेशन आर स्क्वायर फ्रॉम 1 टू एन मीन्स द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, दैट इज ए क्यूब अपॉन एन क्यूब, ए क्यूब एन क्यूब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अपन जानते हैं कि प्रथम एन नेचुरल नंबर्स के वर्गों का योग जो है वो आपके पास होता है, और उसकी वैल्यू यदि अपन यहां पर पुट करें तो मिलेगा ये ए क्यूब अपॉन एन क्यूब, दिस इज एन इंटू एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 अपॉन 6। n n plus 1 to n plus 1 by 6, this is the sum of the first square, sum of the squares of the first n natural numbers। n ki maximum power bahar le liye yahan se to apan ko milega ye a cube, n n n cube cancel ho jayega, apan ko milega ye 1 plus 1 by n 2 plus 1 by n upon 6। This is number a cube into 1 plus 1 by n 2 plus 1 by n, this is UFP। जब UFP अपन निकाला तो इस UFP का अपन इन्फिमम ले ले तो वो अपर रिमान इंटीग्रल होगा। सो द अपर रिमान इंटीग्रल 0 टू a बार fx dx दिस इज इक्वल टू द इन्फिमम ऑफ UFP, और यूएफपी अपन ने निकाल रखा है यहां पे, वो यूएफपी अपने पास में है इन्फिमम ऑफ यूएफपी अपने पास में ए क्यूब 1 प्लस 1 बाई एन 1 प्लस 2 2 प्लस 1 बाई एन बाई 6। सुप्रीमम मींस इन्फिमम मींस लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ए क्यूब बाई 6 1 प्लस 1 बाई एन 2 प्लस 1 बाई एन। लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लेते हैं तो अपन को मिलता है ये ए क्यूब इंटू 2 बाई 6 यानी ए क्यूब बाई 3 नंबर। तो अपर रिमान इंटीग्रल यदि अपन ने निकाला तो अपर रिमान इंटीग्रल अपने पास मिलता है ए क्यूब बाई 3। सिमिलरली यदि अपन एलएफपी निकाले तो एलएफपी अपने पास होता है समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू एन स्मॉल एम आर इंटू डेल्टा आर, दिस इज समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू एन स्मॉल एम आर अपने पास में है आर माइनस 1 स्क्वायर ए स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और डेल्टा आर है ए बाई एन, दिस इज इक्वल टू ए क्यूब बाई एन क्यूब आउटसाइड समेशन ले ले, अंदर बचेगा आर इज इक्वल टू 1 टू एन आर माइनस 1 का स्क्वायर। समेशन में आर की वैल्यूज पुट करें 1 टू एन तक तो अपन को मिलेगा ये ए क्यूब बाई एन क्यूब 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 स्क्वायर। ये अपने पास मिलता है प्रथम एन माइनस 1 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, और उसके हिसाब से अपन इसको लिखें तो ये मिलेगा ए क्यूब अपॉन एन क्यूब एन इंटू एन माइनस 1 एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 1 एन इंटू एन प्लस 1 टू एन प्लस 1
अपॉन सिक्स एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन टू एन प्लस वन सो टू एन माइनस टू प्लस वन अपॉन सिक्स सो दिस इज इक्वल्स टू ए क्यूब अपॉन एन क्यूब एन टू एन की मैक्सिमम पावर इसमें से बाहर ले लें अपन तो ये मिलेगा एन क्यूब वन माइनस वन अपॉन एन टू माइनस वन अपॉन एन अपॉन सिक्स दिस इज दी एल एफ पी इस एल एफ पी का यदि अपन सुप्रीमम ले लें तो वो लोअर रिमान इंटीग्रल मिलेगा सो द लोअर रिमान इंटीग्रल इंटीग्रल जीरो बार टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एल एफ पी सुप्रीमम मीन्स लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट सो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एल एफ पी अपन ने निकाल रखा है ए क्यूब अपॉन ये एन क्यूब कैंसिल हो जाता है यहां से ए क्यूब अपॉन सिक्स वन माइनस वन अपॉन ए टू माइनस वन अपॉन ए और ये अपने को मिला दिस इज इक्वल्स टू ए क्यूब अपॉन टू से कैंसिल हो जाएगा ए क्यूब अपॉन तो अपन को रिजल्ट मिला दैट इंटीग्रल ए जीरो बार टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू ए बार एफ एक्स डी एक्स दोनों एग्जिस्ट करते हैं और दोनों आपस में बराबर हैं और दोनों की वैल्यू जो है वो ए क्यूब अपॉन थ्री के बराबर है दोनों एग्जिस्ट करते हैं दोनों बराबर है इसका मतलब रिजल्ट मिला कि एफ बिलोंग्स टू आर जीरो के और दोनों जब बराबर हैं एग्जिस्ट करते हैं इसका मतलब उस इंटीग्रल की वैल्यू होगी जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए क्यूब अपॉन तो उस रिमान जो फंक्शन अपन को दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वो इंटरवल जीरो और ए में रिमान इंटीग्रेबल होगा और उस इंटीग्रल की वैल्यू ए क्यूब अपॉन थ्री के बराबर होगी थैंक यू वेरी मच